नमस्कार मित्रों, मैं हूं सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सोलंकी कंप्यूटर। तो मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी दबाएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आज मैं आपको यानी पेन ड्राइव में अगर आपका फ़ोटो कैसे लगाए तो इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि आप अपने खुद का फ़ोटो पेन ड्राइव में कैसे लगाए। जैसे कि आपने कभी कहीं पे आपने देखा होगा किसी के पेन ड्राइव पे किसी का फ़ोटो लगा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि यार के वास्तव में इसने कैसे फ़ोटो लगाए है। तो आज के वीडियो में मैं आपको खुद यानी प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कि आप खुद है ना इस प्रोसेस को देख के आप खुद अपना पेन ड्राइव में फ़ोटो लगा सकते हो। तो चलिए मैं वीडियो में आपको फुल ट्यूटोरियल के साथ में बताऊँगा, तो वीडियो को स्किप ना करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए प्रोसेस की ओर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास में कोई फ़ोटो आपका होना चाहिए। जैसे कि ये मेरा फ़ोटो है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ, ये जैसे कि मेरे पास में एक फ़ोटो है, ठीक है। इस फ़ोटो को मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर ऐसा ये फ़ोटो आएगा, ठीक है। अब ये फ़ोटो मैंने ट्रांसपेरेंट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक ज़रूरत पड़ेगी नोट पैड की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले इस फ़ोटो को कैसे करना है अपने पेन ड्राइव में, यहाँ पर मैं आपको पहले माई पीसी में बता देता हूँ। ये माई पीसी में मैंने ये अपनी पेन ड्राइव डाली हुई है, ठीक है। इस पेन ड्राइव पर देखिए यहाँ पर कोई भी फ़ोटो नहीं शो कर रहे हैं। अब इस पेन ड्राइव पर मैं फ़ोटो लगा के आपको बताऊँगा। तो आपको दो फाइलें आपको यानी क्रिएट करनी पड़ेगी। दो फाइल बनाने के बाद में यहाँ पर आपका फ़ोटो शो हो जाएगा। तो वो कौन सी दो फाइलें बनानी पड़ेगी तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये फ़ोटो है, तो इस फ़ोटो जैसे कि आप भी अपना एक फ़ोटो यहाँ पर डेस्कटॉप पर ले लें। उसके बाद में फ़ोटो पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है ओपन विथ पर। ओपन विथ पर आने के बाद में पेंट का जो ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो पेंट पर क्लिक करना है। पेंट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर फाइल पर जाना है आपको। डायरेक्ट फाइल पर जाने के बाद में यहाँ पर आएगा सेव एज। सेव एज के राइट में देखना आपको BMP ये लिखा हुआ है, BMP पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। BMP पर क्लिक करने के बाद में आपको डेस्कटॉप यहाँ पर सेलेक्ट करना है, डेस्कटॉप। उसके बाद में यहाँ पर अपने फाइल का नाम लिखना है, तो यहाँ पर फाइल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेव एज टाइप, उसके बाद में इसको सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पर, ठीक है। ये डेस्कटॉप पर मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा। ये सेव हो गया। अब सेव होने के बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर ये सेव कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि अब आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में अपने माउस को राइट क्लिक करना है, उसके बाद में न्यू पे जाना है। उसके बाद में आपको आना है सीधा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। अब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर यहाँ पर इसको राइट क्लिक करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद में मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको पता है। यहाँ पर आपको ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, यहाँ पर जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो आप बेफिक्र यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए कोष्टक, उसके बाद में आपको टाइप करना है AUTORUN ऑटोरन। उसके बाद में आपको वापस कोष्टक को करना बंद और बाद में एंटर मारना है, ठीक है। एंटर मारने के बाद में उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। अब जैसे कि ऑटोरन मैंने लिख दिया, उसके बाद में मैंने एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद में यहाँ पर मैं टाइप करूँगा आइकॉन, उसके बाद में यहाँ पर बराबर का निशान लगाना है। बराबर का निशान लगाने के बाद में जो मैंने फाइल का नाम लिखा था, जो फ़ोटो का, तो वो यानी आपको यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड कोई यानी अक्सर कोई मिस ना होना चाहिए, जैसे जैसा आपने लिखा था वैसे का वैसा, ठीक है, ऐसे लिखना है। उसके बाद में आपको टाइप करना है डॉट BMP, यहाँ पर मेरा थोड़ा माउस कीबोर्ड में प्रॉब्लम है,
सोलंकी डॉट बी एम पी, ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। उसके बाद में इसको करना है फाइल पर जाना है, यहाँ पर आपको सेव एज पर जाना है, सेव एज पर जाने के बाद में यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के यहाँ पर आपको क्लिक करना, ऑल फाइल यहाँ पर टाइप करना है, और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको टाइप करना ऑटो रन, ऑटो रन, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ऑटो रन AUTORUN, मैं एक बार चेकआउट कर देता हूँ स्पेलिंग में, AUTORUN बराबर। उसके बाद में डॉट INF ये टाइप करना है, INF, सॉरी यहाँ पर डबल INF, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद में इसको आपको करना है डेस्कटॉप पे सेव, ये सेव करना है। सेव करने के बाद में इसको क्लोज कर सकते हो, क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद में ये दो फाइलें हैं, इस दोनों फाइलों को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में इसको राइट क्लिक करें, उसके बाद में इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद में माई पीसी खोलें, उसके बाद में आपको यहाँ पर जो अपने पेन ड्राइव को ओपन करें, पेन ड्राइव को ओपन करने के बाद राइट क्लिक करें, उसके बाद में आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में ये फाइल ऐड हो जाएगी, उसके बाद में इस फाइल को क्लोज करें, उसके बाद में पेन ड्राइव को रिमूव करें, रिमूव करने के बाद में पेन ड्राइव को अटैच करना है सिस्टम में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पेन ड्राइव मैंने अटैच कर दी, अब मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा ये फ़ोटो आ गया, देखिए ये, देखिए ये फ़ोटो आ गया। तो ऐसे आप अपने पेन ड्राइव पर अपना फ़ोटो आसानी से लगा सकते हैं। तो आपको विशेष ये ध्यान देना चाहिए कि एक तो नोटपैड में आपको जैसे मैंने टाइप करके बताया वो आपको टाइप करके रखना है, और दूसरी बात अपने फ़ोटो का जो मैंने आपको सिस्टम बताया कैसे करना है वो आपको करके रखना है। उसके बाद में आपको दोनों फाइल को सेलेक्ट करके अपने पेन ड्राइव में उसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार ट्रिक्स के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।